नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी परीक्षा देने जा रहे होंगे। आप लोगों का परीक्षा बहुत अच्छा जाएगा, मुझे उम्मीद है। मेरी ओर से आप सबों को शुभकामनाएं हैं, बेस्ट ऑफ लक। आज का विषय है, बच्चों को भाषा सीखने के विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करें, यथवा हेलोफ्रेस्टिक स्पीच और टेलीग्राफिक स्पीच क्या है उसका वर्णन करें। इसके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इसका उत्तर लिखने के लिए पहले इसको समझें। बच्चों को भाषा सीखने के विभिन्न अवस्था, बच्चा कैसे कैसे बोलना सीखता है, पहले क्या बोलता है, फिर बाद में क्या बोलता है, फिर बाद में क्या बोलता है, कब वह पूरा सही सही बोलने लगता है, उसके बारे में यहाँ पर हमको लिखना है। इस प्रश्न का उत्तर लिखने के पहले आप कोई छोटा बच्चा के बारे में सोचने शुरू करें। आप क्या देखेंगे, बच्चा जब जन्म लेता है उसमें रोने के सिवाय मुंह से दूसरा आवाज नहीं निकाल पाता है। 6 सप्ताह के आसपास अपने मुंह से ई ऊ इस तरह का कुछ आवाज निकालने लगता है, और 6 महीने में बच्चा बैठने लगता है, और उस समय एक एक अक्षर, चाहे वह स्वर हो या व्यंजन हो, लेकिन एक एक अक्षर को बोलने के लिए शुरू करता है। जैसे मा मा मा, पा पा पा, ऐसे ऐसे कुछ कुछ बोलता है, ये लगभग 6 महीने में। अब लगभग 1 वर्ष के बारे में आइए। 1 वर्ष में जब बच्चा जाता है तो एक एक शब्द बोलता है, एक एक शब्द, अलग अलग शब्द, जैसे पापा, मामा, मम्मी, दीदी, ये सब एक एक शब्द, वाक्य नहीं, एक एक शब्द को बोलता है, अलग अलग शब्द को बोलता है, एक बार में एक शब्द बोलता है। पापा बोला तो केवल एक शब्द, मम्मी बोला तो केवल एक शब्द, दीदी बोला तो केवल एक शब्द। तो यहां पर और क्या, जैसे बच्चा कोई चीज खत्म हो गया, आप मांग रहे हो उसको, क्योंकि छोटा बच्चा सबको खेलता है। मान लीजिए दूध पी रहा था, आप मांगोगे दूध दो तो है भी, तभी वो बोल देगा खत्म, यानी वो उसका कहने का अर्थ है दूध मैंने पी के खत्म कर दिया, सीधे बोल देता है खत्म। यदि आप उसको कुछ मांगोगे बोल देगा ना ना, एक शब्द मतलब हम नहीं देंगे, ऐसा बोलता है। अब ये मान लीजिए वो बच्चा को पानी चाहिए, तो चूंकि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत का चीज़ है वो ज़्यादा बच्चा लोग मांगता है, पहले उसको ज़्यादा बोलने का शुरू करता है। पानी को प्रायः बच्चे मम बोलते हैं, पूरा ये नहीं बोल पाता है कि मुझे पानी पीना है या प्यास लगा है, सीधे बोलता है मम मम मम। तो उसके माता पिता या भाई बहन समझ जाता है कि बच्चे को पानी की ज़रूरत है। इस अवस्था को जब एक शब्द बोलता है तो इसी अवस्था को हेलोफ्रेस्टिक स्पीच बोलते हैं। उसके बाद बच्चे दो दो शब्द एक साथ बोलने लगते हैं। जब 1.5 साल के आसपास हो जाते हैं तो ये दो दो शब्द एक साथ बोलते हैं, उसको हम टेलीग्राफिक स्पीच कहते हैं। टेलीग्राफ मतलब, टेलीग्राफ में पूरा वाक्य नहीं लिखा रहता है। आप लोग यदि टेलीग्राफ किसी का देखे होंगे या टेलीग्राफ भेजे होंगे तो उसमें आप लोगों को याद होगा कि पूरा एक वाक्य नहीं रहता है, एक पूरा वाक्य के बदले एक छोटा सा 2 या 3 शब्द का रहता है, जिससे लोग समझ जाते हैं कि इसमें ये लिखा हुआ है।
तो इसको हम टेलीग्राफिक स्पीच कहते हैं। जब बच्चा दो शब्द बोलने लगता है जब वह 1.5 साल के आसपास रहता है तो दोस्तों मैं अब थोड़ा इसको देखता हूँ। भाषा सीखने के क्रम में बच्चे विभिन्न अवस्था से होकर गुजरते हैं, जैसे 6 सप्ताह, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 से आगे का समय, ऐसे कर कर जो विभिन्न अवस्था है वो विभिन्न अवस्था से गुजरता है। भाषा सीखना एक क्रमिक विकास होता है, क्रम से धीरे 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 बच्चा सीखता है, न कि एक बार ही पूरा बोलने लगता है। ये अवस्था आयु वर्ग के अनुसार अलग अलग होता है, अलग अलग आयु वर्ग में अलग अलग चीज़ सीखता है। ये प्रथम अवस्था है, इस अवस्था को गुइंग गुइंग कहते हैं, क्योंकि इसमें बच्चा गुइंग गुइंग कर कर रहता है एकदम। आप देखिएगा बच्चा कुछ नहीं बोल पाता है, ये केवल आवाज़ निकलता है गुई 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 ऐसे कर करके, इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया गुइंग गुइंग। दूसरा अवस्था है बेलिंग, इसमें एक साथ अलग अलग स्वर या व्यंजन को बोल लेता है, जैसे माँ माँ माँ, पा पा पा, और हम लोग भी बच्चों को ऐसे बोलवाते हैं। बच्चा गोदी में लेकर के बोलने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं, माँ माँ माँ, पा पा पा, तो वो भी बोलने का प्रयत्न करता है और बोलता है माँ माँ पापा, तो ये बेलिंग अवस्था होता है और इसका जो सामान्यतः उम्र होता है 6 महीना। तीसरी अवस्था है जो 1 वर्ष में स्टार्ट होता है और यहाँ पर एक शब्द का उच्चारण करने लगता है, एक शब्द, जैसे पापा मामा दीदी ये सब बोलने लगता है। और क्या, जैसे कोई चीज़ ख़त्म हो गया तो ख़त्म, ना दे दो ये सब बोलता है, जैसे पानी के लिए मम मम, तो ये लोग समझ जाता है कि पानी चाहिए बच्चों को। इस अवस्था को ही हेलोफ्रेस्टिक स्पीच कहते हैं। यदि प्रश्न आए हेलोफ्रेस्टिक स्पीच किसे कहते हैं, तो इसको लिखना है। उसके बाद आते हैं 2 शब्द जो 1.5 साल के बाद स्टार्ट होता है, 1.5 साल के आसपास में होता है, इसको टेलीग्राफिक स्पीच कहते हैं, क्योंकि इसमें एक साथ बच्चा 2 शब्द को बोल लेता है, 2 शब्दों को, जैसे पानी दो, खाना ख़त्म, बॉल दो, मम्मी खाना, दीदी मारा, घूमी जाना, पापा फोन, दूधू पीना, ये सब 2-2 शब्द का बोलता है, इसी को हम टेलीग्राफिक स्पीच कहते हैं। जैसे पापा जा रहे हैं, इस अवस्था को वो पूरा नहीं बोल पाता है, उसमें बोलता है पापा जा, यदि कोई पूछता है पापा किधर, तो निकल गया पापा, तो पापा जा यानी पापा चल गया। लंबे कथन या 2 साल से लगभग स्टार्ट होता है, 2 साल से 4 साल के बीच में, इसमें पूरा एक वाक्य बच्चा बोलने लगता है, घरेलू भाषा को समझने लगता है, आसपास के बहुत सारे चीज़ों को पहचानता है, बहुत सारे चीज़ों के कामों को भी जानने लगता है, और यहाँ पर व्याकरण को भी सीख लेता है। कहिएगा व्याकरण को कैसे सीखता है, अब बच्चा देखिएगा स्त्रीलिंग पुल्लिंग, यदि लड़का है तो बोलेगा मैं जाऊँगा, अब मैंने ये काम नहीं किया है, लेकिन लड़की मैं नहाऊंगी खाऊंगी, ऐसे बोलती है। वो व्याकरण तो नहीं सीखी है, लेकिन व्यवहारिक व्याकरण जो लोग सब लोग बोलता है उसको जान जाता है, एक वचन बहुवचन को समझ जाता है, जैसे ये कलम वगैरह या किताब वगैरह ये सब एक वचन कब रहेगा बहुवचन कब रहेगा उसको बोलने जान जाता है, लेकिन एक वचन दो वचन उसको पता नहीं है कि एक वचन है या बहुवचन है, लेकिन जो सब लोग बोलता है वो उसके आधार पर वह भी बोल देता है। तो दोस्तों ये मेरा एक वीडियो था, बच्चों को भाषा सीखने के विभिन्न अवस्था का वर्णन, जिसको हम हेलोफ्रेस्टिक स्पीच के नाम से भी जानते हैं, और बाद की अवस्था को टेलीग्राफिक स्पीच के नाम से जानते हैं, जब बच्चा 2 शब्द को बोलने के लिए शुरू कर देता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। यदि मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।